कौन था जिसने इस प्रेम कहानी को पूरा होने से पहले ही खत्म कर दिया था। सर, मुझे जिस लड़की का फोन आया था जो अपनी पहचान छुपा रही थी, उसने वो कॉल अहमदाबाद के किसी पीसीओ से किया था। उस लड़की ने ये भी बताया था ना कि जयेश और सोनल अहमदाबाद में? जी सर, और उसने ये भी बताया कि शेखर भाटिया नाम का एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो घर से भागे हुए कपल्स की मदद करता है। सोनल और जयेश को रहने के लिए जगह भी शेखर भाटिया ने ही दिलवाई। सोनल, जयेश आओ। अब ये शेखर भाटिया हमें बता सकता है कि अमित दवे और भावना राठौर कौन है, और अगर उन लोगों ने ही जयेश और सोनल को मारा था, उनका मकसद क्या था? पारुल, शमशेर से कहो, इस शेखर भाटिया का पता लगा। सेठ, मुझे पता चला है कि शरद ने पुलिस को फोन किया था, वो उन्हें कुछ बताने वाला है। भिखा भाई, ये शरद का सोनल के भागने से कुछ लेना देना है क्या? क्या बताएगा वो? उन्हें नहीं पता, लेकिन कुछ दिनों से उसका बर्ताव बड़ा अजीब सा था। क्या उसे सब कुछ पता है? नहीं बोल पाऊंगा सेठ, लेकिन ये 10 लाख वाली बात भी ऑफिस से लीक हुई थी। महेश ने पुलिस के किसी खबरी को बताया था। 10 दिन में 7 पाल के रखे हुए हैं, चैन से शोक भी मनाने नहीं देते। सर, मैं शरद राजपूत। डरो मत, अब तुम सेफ हो, गाड़ी में बैठो। शेखर भाटिया? हाँ, फोटो फोन नंबर कुछ नहीं है, बस इतना जानते हैं कि अहमदाबाद में कहीं रहता है, जो घर से भागे हुए कपल्स की मदद करता है, जो अलग बिरादरी में शादी करना चाहते हैं। आप मुझे 24 घंटे का टाइम दो, इसकी कुंडली आपके सामने रख दूँ। ये जयेश का दोस्त भरत राणा, इससे बात करो, अहमदाबाद में ही रहता है। ये दोनों सोनल और जयेश भी शेखर भाटिया के पास अहमदाबाद ही गए थे, किसी ने तो शेखर भाटिया के बारे में इनको बताया होगा। ये शेखर या तो जयेश का दोस्त होगा, या तो सोनल की दोस्त शिल्पा या नताशा में से किसी ने इसके बारे में बताया होगा। मैं उनसे बात करती हूँ, तो तब तक शेखर भाटिया को लेकर। सोनल पटेल और जयेश परमार को अंदाजा भी नहीं था कि उनके घर से भागने के प्लान के अलावा एक और प्लान बना था जिसका उन्हें सामना करना था। वो प्लान, वो साजिश थी उनकी हत्या की। ये जाहिर था कि कोई उनकी मदद कर रहा था, लेकिन ये भी जाहिर था कि कोई उन्हें मारना चाहता था। कई साजिशें रची गई थी और पुरजोर कोशिश हो रही थी इन साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने की। सोनल अपनी हदों को पार कर रही थी और मैंने उसकी मदद की थी सर, लेकिन मैं डर गया था जब मुझे पता चला कि किसी ने उन्हें मार डाला। सीधा और साफ बताओ, तुमने सोनल की क्या मदद की थी और किस बात के लिए उसे आगाह किया था? सर, सोनल मुझे राखी बांधती थी, भाई मानती थी मुझे वो। ये सब हम बाद में सुन लेंगे शरद, सीधे पॉइंट पे आओ। 17 अक्टूबर को सोनल ऑफिस आई थी, तब मैंने उसे 10 लाख रुपए चुराते हुए पकड़ लिया था। सेठ जी, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? भैया वो। और ये क्या कर रही हो तुम? भैया, भैया प्लीज मेरी मदद कीजिए। किस चीज में? चोरी करने में? प्लीज, ये मेरी मजबूरी है, मैं अजय से शादी नहीं करना चाहती। क्या, क्यों क्यों नहीं करना चाहती? मैं जयेश से प्यार करती हूँ, जयेश परमार मेरे कॉलेज में है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं, उसी के लिए मुझे ये पैसे चाहिए। भैया प्लीज, प्लीज मेरी मदद कीजिए, ये मेरी जिंदगी और खुशी का सवाल है। भैया मैं आपको राखी बांधती हूँ, बड़े भाई है मेरे, अपनी बहन के लिए इतना नहीं करेंगे। मैं उसके हालात समझ सकता था, अपने पापा के खिलाफ जाने के बाद सोनल के पास भागने के अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं था, वरना वो उसे मार देते। ये तो मैं पक्का नहीं कह सकता सर, लेकिन सोनल ने मुझे बताया कि जयेश के बारे में उसने जब घर में बताया, तब देवांग सेठ और सभी घर वालों ने जयेश के लिए मना कर दिया था। घर से भागने में तुमने सोनल की मदद की थी? मैंने बस इतनी मदद की कि मैंने किसी को नहीं बताया कि वो कब और कैसे भागने वाली, और उसी ने 10 लाख रुपए चुराए। मैंने सोनल से कहा था कि पहले मैं जयेश से मिलूंगा, और जब मुझे जयेश पर यकीन आ जाएगा तभी मैं
उसे 10 लाख रुपए लेकर जयेश के साथ भागने दूंगा। भैया मैं सोनल को हमेशा खुश रखूंगा। जयेश तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी इस प्लानिंग के बारे में पता है? नहीं, मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया। जा कहाँ रहे हो तुम लोग? भैया हम पहले यहाँ से सूरत जा रहे हैं और फिर उसके बाद मैं वहाँ से पापा को फोन करूंगी और ये बताऊंगी कि हम दिल्ली में हैं ताकि वो हमें ढूंढ नहीं पाए। पर तुम लोग सूरत क्या करने जा रहे हो? हमारा एक प्लान बना है सूरत में, वहां पर बात हुई है किसी से। देखो मैं समझ सकता हूँ, तुम जो चाहते हो इसमें कुछ गलत नहीं है और तुम दोनों बालिग हो इसलिए तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। हाँ लेकिन अगर तुम लोग किसी प्रॉब्लम या मुसीबत में फंस जाओ तो फौरन वहां से निकल जाना। और सोनल तुम मुझे कभी भी फोन कर सकती हो। थैंक यू भैया। फिर वो चले गए। प्लान के मुताबिक सोनल ने सेठ को बताया कि वो दिल्ली में। अहमदाबाद के बारे में तो मुझे आइडिया भी नहीं था। सर उनके जाने के बाद उन्होंने मुझे कभी फोन नहीं किया। सर मेरे अलावा कोई और भी है जो उनकी मदद कर रहा था और उसी से ये अहमदाबाद वाली बात बाहर निकली होगी जिसके बाद दोनों मारे गए। तुम्हें पता है सोनल के पापा और भाई ने उन दोनों को मारा है, तो आधी कहानी बताने का कोई मतलब नहीं बनता। शरद कैसे मारा? सर कैसे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे भी लगता है कि उन्होंने ही मारा होगा। सर स्कूटर के चक्कर में आपने ही उन्हें बताया कि वो दिल्ली में नहीं सूरत में है। असल में आप लोगों ने जयेश और सोनल की जान खतरे में डाल दी। सर सोनल के पापा बहुत बड़े आदमी हैं, उन्होंने ही दोनों को मार डाला, तो मुझे भी मार डालेंगे। सर प्लीज प्लीज मुझे बचाइए। हमने सोनल के घर वालों को बताया कि वो दिल्ली में नहीं सूरत में, इसी से देवांग पटेल और योगेश ने उनका पता लगाया और उन दोनों को मार डाला। सर हमने तो सिर्फ इतना बताया था कि फोन सूरत से आया था, अब वो दोनों अहमदाबाद में किसी शेखर भाटिया के वहाँ छुपे बैठे ये तो हमें भी नहीं पता था। और सर वैसे भी अगर देवांग पटेल को सोनल को मरवाना ही था उसे कॉल रिकॉर्ड चेक करके भी पता चल सकता था। कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने में वक्त लगता, तब तक सोनल और जयेश को बचने का मौका मिल जाता। नहीं सर मुझे नहीं लगता। हमने सूरत कहा था, अहमदाबाद के बारे में कैसे पता चला? सर मेरी सोनल की फ्रेंड नताशा से बात हुई, उसने बताया कि सोनल के भाई योगेश ने उसे डरा धमका कर ये उगलवा लिया कि सोनल और जयेश अहमदाबाद में छिपे थे। और योगेश ने ये तब पूछा जब हमने उन्हें बताया कि सोनल ने फोन दिल्ली से नहीं बल्कि सूरत से किया था। सोनल और योगेश हमारी वजह से मारे गए। नताशा, क्या सोनल के भाई और पापा ने किसी को भेजा था उनका मर्डर करने के लिए? पता नहीं सर, लेकिन जब पता चला कि सोनल ने फोन दिल्ली नहीं बल्कि सूरत से किया था तो योगेश भैया कॉलेज आए थे मुझसे बात करने और वो बहुत दबाव डालने लगे मुझ पे। नताशा को ये सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि सोनल और जयेश के साथ ऐसा भी कुछ हो जाएगा। नताशा हम उन्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम सिर्फ इतना बताओ कि सोनल है कहाँ। देखो सोनल स्मार्ट है पर इतनी नहीं कि अकेले ही सब कुछ करा। कौन हेल्प कर रहा है? देखो अगर सोनल को कुछ भी हुआ ना तो तुम भी प्रॉब्लम में आ जाओगी, इसलिए बताओ कहाँ है वो। वो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद में कहाँ है? नहीं पता भैया, पर इतना ही बताया था कि उन्हें अहमदाबाद में छुपने के लिए एक सेफ जगह मिल गई है। हाँ यार मैंने सब कुछ सोच लिया है, पर तुम दोनों जाओगे कहाँ और रहोगे कहाँ? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कहाँ है? एक जगह जयेश ने ढूंढी है। पर सोनल उसके बाद का क्या, कब तक भागते रहोगे तुम दोनों ऐसे? इतने पैसे तो लेकर जाएंगे ही कि कुछ दिन और कुछ महीनों तक चुपके रह सके। और इतने पैसे आएंगे कहाँ से? पापा के ऑफिस से। अरे नहीं नहीं नहीं, वो 10 लाख को रख लो, नहीं तो पता चला एक साथ पेमेंट लेने के चक्कर में ये 10 भीग है और महीनों तक चक्कर काटते रहेंगे हम। और सुनो आज और कल जो है मैं वो साइट पे रहूंगा, तो ये पैसे जो है वो केबिन में रखवा देना, ठीक है? कल 17 अक्टूबर है, मैं पापा के ऑफिस से 10 लाख उठाऊंगी, उसके बाद मैं और जयेश यहाँ से दूर भाग जाएंगे और शादी करके अपना घर बनाएंगे। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है, मेरी वजह से योगेश भैया को पता चला कि वो दोनों अहमदाबाद में है। क्या तुम्हारे अलावा भी किसी को पता था कि वो दोनों अहमदाबाद में? नताशा इस पूरी प्लानिंग में कोई और भी था उनके साथ? मुझे नहीं पता मैम, मुझे तो बस उतना ही पता है जितना सोनल ने मुझे बताया था। साहब आप देवांग और उसके बेटे को खाली उठाना मत, उनको खूब तोड़ना, खूब मारना उनको। उन्होंने मेरे बेटे को मारा है। अगर उन्हें सजा देनी ही थी तो अपनी बेटी को देते।
हमारे बेटे को क्यों मारा? उदय जी, दामिनी जी, अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि देवांग भाई और उनके बेटे ने ही सोनल और जयेश को मारा है। हम पूछताछ कर रहे हैं। अभी हमें सिर्फ इतना पता चला है कि सोनल और जयेश अहमदाबाद में कहाँ रहते थे। हम हर एक पहलू पे नजर रखे हुए हैं। जयेश को इंसाफ मिलेगा, सोनल को भी। सर, मुझे लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप सही कह रहे थे, दोनों बालिके अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, जीने दो। मैंने फिजूल में इस केस को खोला। पारुल, अब ये सोचने का कोई फायदा नहीं कि हमें क्या करना चाहिए था क्या नहीं। हम सिर्फ इतना पता करना चाहते थे कि जयेश और सोनल सेफ हैं या नहीं, और शायद हमारी इसी कोशिश ने उन्हें खतरे में डाल दिया और कातिल उन तक पहुंच गया। सर, हमें किसी भी हाल में दोनों को न्याय दिलवाना चाहिए। जयेश के दोस्त भरत राणा को उठा लो, उसके बाद शेखर भाटिया को, उसके बाद अमित दबे और भावना राठौर को। हमें असली कातिल तक पहुंचना है और उन सब लोगों तक भी पहुंचना है जिन्होंने किसी भी तरह से सोनल और जयेश का कत्ल करने में कातिल की मदद की। शेखर भाटिया जी, आप कौन? शेखर जी, राजकोट में पुलिस आपको ढूंढ रही है। क्यों, किस लिए? सोनल पटेल और जयेश परमार के लिए। सोनल और जयेश, क्या हुआ उन दोनों को? उन दोनों का मर्डर हो चुका है। गांधीनगर में उन दोनों की जली हुई बॉडी मिली है। क्या? काश जयेश मेरे पास आया होता, काश उसने मुझे बताया होता कि मैं ऐसा कुछ करने के बारे में सोच रहा। सच में भरा, तो उसने तुम्हें कुछ नहीं बताया? बताया होता तो मैं उसे ऐसा कुछ करने ही नहीं देता ना। मैडम, जयेश अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद था, मेरी तरह बहुत गरीब परिवार से था। माँ बाप ने कितने सपने देखे थे उसके लिए। पढ़ाई में अच्छा था, सीए बनना चाहता था। अरे सब क्या भरत, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि सोनल और जयेश शेखर भाटिया तक कैसे पहुंचे, और अगर सोनल के भाई और बाप ने उन दोनों का मर्डर किया है तो वो उन दोनों तक कैसे पहुंचे और उन दोनों को कैसे मारा। आप बताइए, मैं आपकी मदद कैसे करूं जबकि मुझे कुछ भी नहीं पता है सिवाय इसके कि वो मेरा अच्छा दोस्त था। मुझे तो उस पे दुख कम गुस्सा ज्यादा आ रहा है। फाइनल ईयर में था, सीए बन जाता अगले साल तक, पूरी लाइफ पड़ी थी उसके सामने, लेकिन नहीं, शादी और प्यार का भूत सवार हो गया। भारत, अब जो हो चुका उसे बदला नहीं जा सकता। तुम हमें बस मैडम, मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि जो हुआ है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसके माँ बाप को कैसे समझाऊं। वो बार बार मुझे एक ही बात बोले जा रहा है कि तू तो उसका अच्छा दोस्त था, तूने क्यों नहीं समझाया उसे। अब मैडम, मैं उसे कैसे समझाता, क्योंकि जयेश ने मुझे कुछ बताया नहीं इसके बारे में। अगर बताया होता ना तो उसको दो थप्पड़ लगा देता, सारा ये प्यार और शादी का भूत उतार देता। भरत, सॉरी मैडम, सॉरी मैडम, मुझे मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं पता है। मैं इससे ज्यादा और आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको लगता है कि आपने हमें बताया कि सोनल ने सूरत से फोन किया था, और योगेश ने उसकी फ्रेंड नताशा से पता कर लिया कि वह अहमदाबाद में है, और हमने वहां किसी को भेजकर उसे मरवा दिया। अगर ऐसा है तो सबूत लाइए, केस बनाइए या कोर्ट में अर्जी दीजिए, फिर हमसे यह सवाल करना, और तब भी मेरा यही जवाब होगा कि हमने कुछ नहीं किया। आपके पास टाइम होगा वेस्ट करने के लिए, हमारे पास नहीं। अगर आप लोगों ने नहीं भी मारा तब भी ये जानना नहीं चाहेंगे कि सोनल को किसने मारा? ऐसा कैसे हो सकता कि एक बहन मारी जाती है और एक बेटी मारी जाती है, लेकिन भाई और बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता? बचपन से लेकर आज तक मैंने उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी की, जिस चीज पर हाथ रखा मैंने उसे ला कर दिया। अपने 18वें जन्मदिन पर मुझे उसने कहा कि पापा मुझे स्कूटर चाहिए, मैंने खुद ने जाकर उसे स्कूटर ला कर दिया। आपने अपनी बेटी के लिए जो किया, हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए करते, लेकिन इससे आपको अपनी बेटी को मारने का लाइसेंस नहीं मिल जाता, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती थी। चाहती थी, उसने तो कर भी ली होगी शादी। हम उसे सिर्फ इसलिए ढूंढ रहे थे ताकि उसे ये बोल सकें कि उसने जो कुछ किया है ठीक है, अब उसे हमसे ऐसे भागने की या छिपने की कोई जरूरत नहीं। और आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों की इन बातों पे यकीन कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, वरना साबित करो कि सोनल और जयेश को हमने मारा है।
अमित, हम कब तक ऐसे भागते रहेंगे? भावना, बस कुछ दिन और। अमित, मुझे लगता है हमें यहाँ से कहीं दूर चले जाना चाहिए, अपने नाम बदल लेने चाहिए ताकि कोई हम तक पहुंच ही ना पाए। अगर जरूरत पड़ी ना तो वो भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पर थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद आगे की सोचते हैं। I'm sorry सर, मैं जानता हूँ आप लोग पुलिस ऑफिसर हैं और अपनी कार्यवाही कर रहे हैं, लेकिन मेरा काम यह है कि मेरे पास घर से भागे जो कपल्स आते हैं मैं उन्हें अपने यहाँ सुरक्षित रखूँ और उन्हें गारंटी दूँ कि उनकी डिटेल्स किसी को नहीं दी जाएगी। शेखर भाटिया, हमारे पास इन्फॉर्मेशन कि सोनल और जयेश का मर्डर अमित और भावना ने किया। मुमकिन सोनल के पिता को पता चल गया होगा कि वो दोनों यहाँ और उन्होंने अमित के जरिए दोनों का मर्डर करवा दिया। कैसी बात कर रहे हैं आप ऑफिसर, इट्स नॉट पॉसिबल। आपको समझना चाहिए कि अमित और भावना खुद अपने घर वालों से जान बचाकर छुपते हुए मेरे पास आए थे, तो वो अपने ही जैसे घर से भागे कपल ये सोनल और जयेश को क्यों मारेंगे? और सच्चाई ये है कि सोनल और जयेश खुद जान बचाकर मेरे पास आए थे। फिर मैंने सोनल और जयेश की शादी करवाई और खुद उनके साथ रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर उनकी शादी को रजिस्टर करवाया था। सर, 19 अक्टूबर से 2 नवंबर पूरे 2 हफ्ते वो यहीं पर मेरे दिए रूम में रहे, और जब वो यहाँ से जाने लगे तो मैंने उनसे पूछा भी था कि क्या उन्हें पूरा यकीन है कि यहाँ से बाहर जाकर वो लोग सेफ रहेंगे, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे उनके लिए डर था। मेरी पापा से बात हुई है, वो जयेश से मिलना चाहते हैं, उन्हें हमारी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैया, हम यही तो चाहते थे कि सोनल के घर वाले हमें एक्सेप्ट कर ले। सोनल के पापा का इतनी जल्दी तुम्हारे रिश्ते को एक्सेप्ट करना बहुत अजीब लग रहा है मुझे। भैया, वो मेरे पापा हैं। बिल्कुल सोनल, वो तुम्हारे पापा हैं, इसीलिए कह रहा हूँ। मैंने बहुत से केसेस में देखा है कि देखो, मैं नहीं चाहता तुम दोनों के साथ कुछ भी ऊंच नीच। भैया, मैं आपका डर समझ सकता हूँ, लेकिन आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप हमें जाने दो, और आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है हम वो कभी नहीं भूल पाएंगे। हाँ भैया, और अब तो पापा और भैया दोनों मान गए हैं, वो जयेश का एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, तो हमें जाना चाहिए। मुझे डर था कि वो लोग गलती कर रहे हैं, फिर भी मैं उन्हें रोक नहीं पाया और मेरा डर सच साबित हुआ। ये सोनल और जयेश का मैरिज सर्टिफिकेट है, मैं इसे सोनल के घर पे भेजने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही आपके आदमी ने आके मुझे बताया कि उन दोनों का मर्डर हो गया। ऑफिसर, मुझे सोनल और जयेश के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने उन दोनों को यहाँ से क्यों जाने दिया। सोनल और जयेश आपके पास कैसे आए थे? जयेश ने मुझे फ़ोन किया था राजकोट से, शायद भागने से एक हफ्ता पहले। अगर जयेश ने आपको फ़ोन किया था तो जयेश के कॉल रिकॉर्ड में हमें आपका नंबर क्यों नहीं दिखा? सर, जयेश ने बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग की हुई थी, और मुझे पूरा यकीन है कि उसने मुझे मोबाइल से नहीं बल्कि PCO से फ़ोन किया होगा। हमें कुछ दिनों के लिए छुपकर रहने के लिए एक जगह चाहिए थी, क्या आप हमारे लिए कुछ कर सकते हैं? जयेश, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं राजकोट से बोल रहा हूँ। मैं और सोनल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारी फैमिलीज हमारे अगेंस्ट है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? सर हाँ जयेश, मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे अपनी उम्र बतानी होगी। सर, हम दोनों बालिक हैं, मैं 21 साल का और सोनल 20 साल की है। जयेश, सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे अपना एज प्रूफ देना होगा। तो तुम दोनों में से किसकी फैमिली अगेंस्ट है? मेरी। हम पहले सूरत गए, फिर वहां से सोनल ने अपने पापा को फोन किया, मैंने उनसे कहा कि मैं दिल्ली में हूँ। और जयेश, तुम्हारी फैमिली? सर, मेरी फैमिली को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग अगेंस्ट से इसलिए क्योंकि सोनल की फैमिली ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मेरे पूछने का मतलब यह है कि तुमने क्या अपनी फैमिली को झूठ बोला है? उनके हिसाब से इस वक्त तुम कहाँ हो? सर, मैंने उन्हें सच झूठ कुछ नहीं बताया, उनके हिसाब से मैं अभी हॉस्टल में हूँ, लेकिन कॉलेज में मैंने लीव एप्लीकेशन दिया। ठीक है, मैंने कल 11 बजे का टाइम ले लिया है रजिस्ट्रार ऑफिस में, कल तुम दोनों की शादी हो जाएगी। सर, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि उन दोनों को सोनल की फैमिली नहीं मारा है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से केसेस में देखा है कि घर वाले लड़का लड़की को झूठ बोल के घर बुलाते हैं और उसके बाद उन्हें मार देते हैं। पर सोनल की अपनी फैमिली से बात कैसे हुई? क्योंकि सोनल के माँ बाप भाई बहन यहाँ तक कि उनके लैंडलाइन पर अहमदाबाद से ना कोई फोन आया ना गया। उन दोनों के पास कोई फोन था? जी नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं। दरअसल सर, सोनल और जयेश इन दोनों ने बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग की, मतलब पहले घर से भागना, फिर सूरत जाना और घर पे फोन करके बोलना कि वो लोग दिल्ली में है, और उसके बाद मेरे पास आना। मतलब मैंने इन दोनों के जैसे और भी कई कपल्स देखे हैं जो घर से भागते हैं, लेकिन जैसी प्लानिंग सोनल और जयेश ने की थी उसे देखकर मैं भी हैरान था। और शेखर भाटिया, सवाल यह है कि सोनल की अपनी फैमिली से बात कब और कैसे हुई? आपने बताया कि सोनल की फैमिली जयेश को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गई और वो दोनों राजकोट अपने घर वापस जा रहे थे। पता नहीं सर, जो उन दोनों ने मुझे बताया वो मैंने आप दोनों को बता दिया। शेखर भाटिया,
आपको हमें अमित और भावना की डिटेल्स देनी ही होगी। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए ऑफिसर, अमित और भावना सोनल और जयेश का मर्डर नहीं कर सकते। जिस दिन सोनल और जयेश यहाँ से गए हैं, ठीक उसके अगले ही दिन वो दोनों भी यहाँ से चले गए। अगर तुम ऐसे डिटेल्स नहीं दोगे तो हम मजिस्ट्रेट का ऑर्डर लेकर आएंगे, और हम नहीं चाहते कि हम ऐसा करें। आप अच्छे इंसान हैं, अच्छा काम करें, हम भी अपना काम करें। हमें किसी भी तरह से सोनल और जयेश के कातिल तक पहुंचना। अगर इन दोनों का कत्ल सोनल के बाप और भाई ने भी किया, तब भी उनके खिलाफ हमें सबूत चाहिए होंगे। और हमारे पास पुख्ता इन्फॉर्मेशन है कि सोनल और जयेश के मर्डर में अमित और भावना शामिल है। ये लीजिए, इसमें उन दोनों का भावनगर का एड्रेस है जहां उनकी फैमिलीज रहती है। लेकिन मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन दोनों के बारे में इनकी फैमिलीज को नहीं पता चलना चाहिए, वरना इनके साथ भी वही होगा जो सोनल और जयेश के साथ हुआ। सर, राजकोट में बैठे जयेश को शेखर भाटिया के बारे में कैसे पता चला कि उनकी मदद कर सकता है? इस शेखर भाटिया की ना कोई वेबसाइट है, ना ऑफिस है, ना कोई प्रचार है। फिर कोई तो था जो उनकी मदद कर रहा था। इतनी प्लानिंग कि सूरत जाएंगे और दिल्ली बताएंगे, मोबाइल फोन यूज नहीं करेंगे, और फिर शेखर को कॉन्टेक्ट करना। रुपेश, हम कुछ तो मिस कर रहे हैं। सोनल और जयेश के लिए हम जिम्मेदार हैं। हमसे ही सोनल के पापा और भाई को पता चला कि फोन दिल्ली से नहीं सूरत से आया था। नहीं सर, आप फिजूल में अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुझे लगता है ये सारा प्लान पहले ही बन चुका था, उनके घर से भागने के बाद ही उनका मर्डर, सब कुछ। सर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है सोनल ने अहमदाबाद से अपने पापा के साथ कब और कैसे बात की। शरद राज, ये सामने से कबूल करने आया था। कहीं इन्फॉर्मेशन के नाम पर इसने हमें घुमा तो नहीं दिया? मैं आपको घुमाऊंगा। तुम्हारी बहन जैसी सोनल को तूने 10 लाख लेके जाने दी, पर ये नहीं पूछा कि कहाँ जा रही है? मैंने नहीं पूछा सर, क्योंकि मैं ऐसी बात जानना ही नहीं चाहता था जो मुझे मजबूरी में किसी को बतानी पड़े, जिसकी वजह से सोनल मुसीबत में आ पड़े। जयेश परमार अहमदाबाद के शेखर भाटिया को कैसे जानता था? मैं किसी शेखर भाटिया को नहीं जानता। शेखर भाटिया, ये कौन है? तुम्हारे जैसे घर से भागने वालों की मदद करते हैं, शादी मैरिज सर्टिफिकेट से लेकर चुप कर रहने की जगह तक का इंतजाम कर देगा। फोन कर लेना इसे। नहीं मैम, मैं किसी शेखर भाटिया को नहीं जानती। मैम, मुझे भी नहीं पता कि ये कौन है। राजकोट में कोई है जिसने सोनल और जयेश की मदद की हो, जिसने उनका अहमदाबाद में शेखर भाटिया से कॉन्टेक्ट करवाया हो? मैम, वो एक्चुअली सोनल अपनी भाभी प्रिया से बहुत क्लोज थी और वो उनसे सब शेयर करती थी। माँ, चाय। और मैम, हो सकता है कि प्रिया भाभी ने उसकी हेल्प की हो। हाँ मैम, पॉसिबल है कि मुझसे पता लगाने के बाद कि सोनल अहमदाबाद में है, योगेश भैया ने प्रिया भाभी से भी पूछा हो। सोनल कहाँ है प्रिया? मुझे नहीं पता, उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं था, और मुझे नहीं पता था वो इस तरह से घर छोड़ के भागने वाली है। अगर तुमने उसकी मदद की है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, बस हमें अब उसे घर वापस ले आना चाहिए। तुम देख ही रही हो, मैं और पापा जयेश को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। बोलो प्रिया, कहाँ है सोनल? प्रिया गाड़ी में बैठ, इस बार बातचीत थोड़ी लंबी चली। सेठ, अंदर आ जाओ। सेठ, आज सुबह पुलिस वाले मुझे पूछताछ के लिए लेके गए थे। 36 तरीके से 36 सवाल पूछा उन्होंने। ये भी पूछा कि आपके और योगेश के पास कोई दूसरा नंबर है क्या। और सेठ, मुझे नंबर देना पड़ा, वरना वो लोग मुझे छोड़ते ही नहीं। बीघा भाई जी, आप मेरे सबसे ईमानदार आदमी हो। जी सेठ, आपको कोई शक है? नहीं नहीं, शरद पे मुझे गुस्सा नहीं है, उसने जो किया सो किया। पर इस बात का दुख है कि जब सोनल यहां पर आई थी तभी आपको मुझे फोन करके बता देना चाहिए था। मुझे कैसे पता होता सोनल बेबी ये सब करेगी? वो आपकी लाडली भी थी, अगर उसने कहा कि उसे आराम करना है, केबिन खोल दो, तो मैं मना कैसे कर सकता सेठ?
डैड, तुझे वो जो रेड चेक शर्ट में लड़का दिख रहा है, तुझे उसके टेबल पर जाना है। वहाँ पर जाकर उसकी कोल्ड ड्रिंक पीनी है, समोसा खाना है, उसका नाम और फोन नंबर लेकर आना है, फिर वापस यहाँ आकर उसको फोन करना है। ये कोई डेयर नहीं है, ये तो एक पूरा चैप्टर है। बस सोनल रहने दे, हमें पता था कि एक तो तू खुद डर लेगी, फिर तुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये भी कर लेती हूँ, लेट्स सी। हाय, आई एम सोनल। अरे मैंने अपना नाम बताया, तुम भी बताओ। क्यों? क्योंकि मैं पूछ रही हूँ। Excuse me, क्या चल रहा है ये सब? समोसा तो बहुत टेस्टी है। तुम जो ये अपना समझ के खा रही हो ना, इसके मैंने पैसे भरे, फ्री का नहीं है ये। एक काम करो, काउंटर पे जाओ, एक और कोल्ड ड्रिंक और समोसा ऑर्डर करो और सोनल का नाम ले लेना, तुमसे पैसे नहीं पूछेंगे। थैंक यू, बट नहीं चाहिए। तुम ये भी खा लो और ये भी पी लो। अरे अब हेलो, अब तक तो बेसिक इंट्रो भी नहीं हुआ, अपना नाम तो बताओ। क्यों बताऊं मैं तुम्हें अपना नाम, कौन हो तुम? अभी तो अंदर बताया, मेरा नाम सोनल है। अच्छा एक्चुअली ना, मुझे ना डेयर मिली थी, प्लीज अपना नाम और नंबर दे दो, वरना मेरी दोस्त ना मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। मैं ना ही तुमको अपना नाम बता रहा हूँ और ना ही मैं तुमको अपना नंबर दूंगा। अरे प्लीज टेंशन मत लो, मैं तुम्हें क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए फोन नहीं करूंगी, दे दो ना नंबर। समोसा और कोल्ड ड्रिंक तो तुमने देख लिया, नाम जयेश परमार और ये है उसका फोन नंबर। हाय हाय, बाय। हेलो, हाय, हेलो, मैंने तुम्हें अपना फोन नंबर दिया तो तुम रोज रोज ऐसे कॉल करके परेशान करोगी? मैं तो सिर्फ हाय बोलने के लिए कॉल करती हूँ, अब तुम्हें हाय बोलना भी परेशानी लगती है? नहीं, पर हाय बोल के कॉल काट क्यों देती हो? क्योंकि मुझे सिर्फ उतना ही बोलना होता है। ओह, तो तुम्हें भी कुछ बोलना होता है? वैसे अगर बोलना हो तो तुम मुझे वापस फोन कर सकते हो, मेरा नंबर तो है ही तुम्हारे पास। एक रिश्ता जो मजाक से शुरू हुआ था, बहुत जल्द प्यार की शक्ल ले चुका था। ऐसा प्यार जो ऊंच नीच या पैसा नहीं देखता था। उन दोनों ने ये फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। लेकिन उनकी हत्या ने उन्हें उस जिंदगी से दूर कर दिया, जिस जिंदगी को वो साथ जीने के सपने देख रहे थे। नहीं मैम, मैंने सोनल और जयेश की भागने में बिल्कुल मदद नहीं की थी, और अब लगता है कि काश कर दी होती। रिया, तुम अब भी उनकी मदद कर सकती हो, ये बताकर कि तुम्हारे पति योगेश और तुम्हारे ससुर देवांग पटेल ने उन दोनों को कैसे मारा और उन दोनों तक कैसे पहुंचे हो। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मैम, उन्होंने नहीं मारा है। रिया, जुर्म छुपाना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है, तुम मर्डरर को पता है मैम कि उन्होंने नहीं मारा है। तो फिर किसने किया है, किसके पास मोटिव था जयेश और सोनल को मारने का? जयेश के माँ बाप के पास, जिन्हें ये भी नहीं पता था कि उनका बेटा हॉस्टल में है या नहीं? प्रिया, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या सोनल उन्हें मिली, कैसे पहुंचे वो उस तक? नहीं मिली, ढूंढने पर भी नहीं मिली, और उन्होंने नहीं मारा है सोनल को। सर, योगेश और देवांग पटेल के बाकी के दो नंबर भी हमने स्कैन किया, लेकिन कुछ मिला नहीं। किसी हिस्ट्री शीटर का नंबर नहीं, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं, अहमदाबाद में किसी को कॉल किया? नहीं सर। सर कैसे हो सकता है रुपेश, कहीं हम गलत ट्रैक पर तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि ये केस ऑनर किलिंग का है ही नहीं? सर, पारुल ने प्रिया से अलग अलग तरीके से सवाल किया, उसे डराई, धमकाई, इमोशनल करके भी सवाल पूछा। अब तक तो प्रिया को टूट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सर, अब भी ये सवाल बना हुआ है कि सोनल ने अहमदाबाद से कब और कैसे देवांग पटेल से बात की, जब देवांग पटेल ने उन्हें कहा कि वो उन्हें माफ कर चुके हैं और जयेश को भी अपनाना चाहते हैं। अब आप सलीके से पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ, सोनल से मेरी आखिरी बार तब बात हुई थी जब उसने मुझे सूरत से फोन किया था, उसके बाद मेरी कोई बात ही नहीं हुई। आज छोटी बहन थी मेरी, ढूंढ रहे थे उसे हम दोनों,
जानना चाहते थे कहाँ है, कैसी है। उसे ऐसे घर छोड़ के नहीं भागना चाहिए था। बाप हूं मैं उसका, जल्लाद नहीं, प्यार करता था मैं उससे। सर, शमशेर का फोन आया था। उसने भावनगर में अमित के किसी दोस्त के जरिए अमित दवे और भावना राठौर का पता लगा लिया है। कहाँ है वो दोनों? अहमदाबाद के किसी लॉज में छुपे बैठे। क्या सोनल और जयेश की हत्या वाकई इतनी सफाई से की गई थी कि पुलिस को उनके हत्यारे के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने वाला था? क्या अमित और भावना इस हत्याकांड की सच्चाई को रोशनी में लाने वाले थे? क्या उन दोनों ने ही सोनल और जयेश के कत्ल की साजिश रची थी? सर, हम दोनों बालिग हैं और हमने अपनी मर्जी से शादी की है। सर, आप अगर हमें हमारे घर वालों के पास भेज देंगे तो वो हमें पक्का मार देंगे। तो खुद को बचाने के लिए तुम लोगों ने सोनल और जयेश को मारा, ताकि जब जली हुई लाशें मिले तो सबको यही लगे कि तुम लोग मर गए और उसके बाद तुम लोग आजाद हो जाओ। यही प्लान बनाया था ना तुम दोनों ने? ये आपको किसने बताया? ये छोड़, आगे बोल। ये आपको राशि ने बताया? जिसने भी बताया हो, प्लान तो तुम्हारा ही था ना। सर, आप उस राशि की बातों में आ गए। हम ऐसा क्यों करेंगे? बेचारे सोनल और जयेश भी हमारी तरफ अपने पापा के डर से अपने घर से ही भागे हुए थे सर। और हम सब, यहाँ तक कि राशि और उसके हस्बैंड रौनक भी शेखर भैया के घर पे अहमदाबाद में छुपे हुए थे, और हम सब ने साथ में मिलकर बहुत अच्छा टाइम बिताया सर। हम क्यों मारेंगे सोनल और जयेश को? उनकी तो नई नई शादी हुई थी, हमारी तरह वो भी बहुत खुश थे और हम सब अच्छे दोस्त बन गए थे। और सर, मुझे मालूम है आपको ये राशि नहीं बताया, क्योंकि मैंने राशि को बताया था। तो खुद को बचाने के लिए किसी को भी मार दोगे? ऐसा मैं नहीं, अमित कह रहा था। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था। देखो, हम सब की हालत क्या है, हम ऐसा क्या करें कि हमारे घर वाले हमारा पीछा करना छोड़ दें। तो बस मैं ऐसे ही फालतू की एड्रेस फेंक रहा था यार, और मैंने कहीं पे देखा हुआ था कि दो लोगों की लाश मिलती है और लोग उन्हें किसी और की समझ लेते हैं। तो तुमने सोचा तुम किन्हीं दो लोगों को मार दोगे और तुम्हारे घर वाले सोचेंगे कि तुम और भावना मर गए? अरे यार, वो तो मैंने ऐसे ही बोला था यार। क्या मैं सच में ऐसा करूंगा? सर, मैंने ऐसे ही बोला था उसको, लेकिन राशि ने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था, इसलिए आप लोगों को उसने बोला कि हमने सोनल और जयेश को। सर, सोनल और जयेश के मर्डर के बाद तो हम खुद डर गए थे। जैसे ही हमने नेट पे पढ़ा उनके मर्डर के बारे में, हमने अगले दिन शेखर भैया का रूम छोड़ दिया। फोन है तुम दोनों के पास? हाँ सर, हमने अहमदाबाद से प्रीपेड सिम कार्ड खरीदे थे। दोनों अपना नंबर दो। शेखर भाटिया, जिसने तुम लोगों को छुपने की जगह दी थी, उसने हमें बताया कि सोनल की अपने पापा से बात हुई थी। सोनल के पेरेंट्स जयेश को एक्सेप्ट करने के लिए राजी थे, इसलिए सोनल और जयेश राजकोट वापस जा रहे थे। जिस दिन उन दोनों का मर्डर हुआ, उस दिन तुम दोनों वहीं थे। तुम लोग क्या जानते इस बारे में? सर, जहां तक मुझे पता है, सोनल की अपने पापा से कोई बात नहीं हुई थी। तुम्हें पता है कि सोनल कहां जा रही थी? सर, मैं और अमित तब शेखर भैया के रूम पे ही रह रहे थे जब सोनल और जयेश वहां से गए। सोनल बता रही थी कि वो गांधीनगर शिफ्ट हो रहे। एरिया का तो अभी पता नहीं, लेकिन गांधीनगर में कहीं लेंगे घर। अच्छा, अपना खुद का? खुद का तो अभी नहीं, देख रहा अभी फिलहाल रेंट पे, शायद बात चल रही है बस। गुड यार, ऑल द बेस्ट सोनल। थैंक्स यार। बस एक बार घर ले लो और सब कुछ सेट कर ले, फिर मैं तुम्हें फोन करती हूँ। आना तुम दोनों। बिल्कुल, पक्का आएंगे। सोनल और जयेश गांधीनगर में घर रेंट पे ले रहे थे? हाँ सर। कौन दिलवा रहा था? पता नहीं सर, सोनल और जयेश ज्यादा कुछ बताते नहीं थे। कोई तो था जो उन्हें घर दिलवा रहा था। क्या, गांधीनगर में घर रेंट पे? मतलब वो राजकोट जा ही नहीं रहे थे? जी शेखर जी, ये अमित और भावना से अभी अभी हमें पता चला है। इसका मतलब उन दोनों ने मुझसे भी झूठ बोला। पर क्यों? शेखर जी, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कौन है जो उन्हें गांधीनगर में घर दिलवा रहा था? नहीं सर, इस बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। बल्कि अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं खुद वहां जाकर चेक करता कि वहां सब ठीक है कि नहीं। उन्हें इस तरह से अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालने देता सर। एक मिनट भावना, तुमने अभी कहा कि वो गांधीनगर में शिफ्ट करने के बाद तुम्हें कॉल करने वाली थी। बस एक बार घर ले लो और सब कुछ सेट कर ले, फिर मैं तुम्हें फोन करती। हाँ, उसने कहा था वो कॉल करेगी, और अगले दिन 3 नवंबर को जब हम शेखर भैया का रूम छोड़ के जा रहे थे, मैंने उसे कॉल भी किया था, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, और अगले दिन पता चला कि उन दोनों का मर्डर हो गया। सोनल का फोन स्विच ऑफ आ रहा था? सोनल के पास फोन था? सोनल और जयेश दोनों अपना फोन राजकोट में छोड़कर गए थे? नहीं सर, फोन था, वो दोनों एक ही फोन यूज कर रहे थे। सोनल और जयेश का अहमदाबाद का फोन नंबर पुलिस को एक बड़ी सफलता दिलाने वाला था।
अच्छा, उसके पास जो नंबर था वो जयेश परमार के नाम पर प्रीपेड सिम था। कॉल रिकॉर्ड से कुछ डिटेल? यस सर, लास्ट पेज पर है। उस रिकॉर्ड से हमें एक अहमदाबाद का नंबर मिला जिस पर रेगुलर बात हो रही थी। और अभी यह नंबर स्विच ऑफ? जी सर, डिटेल मंगवाई है, जल्दी आ जाएगी। अब यह नंबर ही इस केस की बिक्री करने जोड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके इस नंबर की डिटेल मंगवाओ। भरत राणा, तेरी सब इंस्पेक्टर रुपेश से फोन पे बात हुई, उसके बाद तू मुझसे भी मिला था। हाँ, वो जयेश के बारे में ना। फिर तूने हमें ये क्यों नहीं बताया कि जयेश ने अहमदाबाद आने के बाद अपने और सोनल के लिए एक प्रीपेड नंबर लिया था, और तेरे पास भी अहमदाबाद का दूसरा नंबर था जिससे तू हर रोज जयेश से बात करता था। तुझे क्या लगा हम यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे? पर हम पहुँच गए। अब तू सोच कि तू कहाँ पहुँचेगा। भागने की सोचना भी मत, कोई चांस नहीं। एक्टिविस्ट, ये तुम्हारे जैसे घर से भागने वालों की मदद करते हैं। ये शादी मैरिज सर्टिफिकेट से लेकर छुपकर रहने की जगह तक का इंतजाम कर देगा। फोन कर लेना। थैंक यू भरत। अबे थैंक यू क्यों बोल रहा है, बचपन का दोस्त मैं तेरा, तेरे काम नहीं आऊंगा। जब जयेश परमार के पिता ने सोनल के घर वालों से बात करने से मना कर दिया, जब सोनल के घर वालों ने जयेश से मिलने तक से मना कर दिया, तब सोनल और जयेश ने घर से भाग जाने का प्लान बनाया। और तब जयेश ने तय किया कि वो अपने बचपन के दोस्त भरत राणा से बात करेगा और सोनल के साथ भागने में भरत की मदद लेगा। यार जयेश, ये घर से भागना, शादी करना और आगे लाइफ में सेटल होने के लिए, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो सोनल के पापा तुम दोनों तक ना पहुंचे ना, इन सब के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। मुझे पता है जयेश, लेकिन अभी फिलहाल के लिए टेंशन नहीं है। सोनल कह रही है कि उसके पास पैसे है, उसने अपने पॉकेट मनी से सेव किया। तो पॉकेट मनी के भरोसे घर से भाग रहा है? नहीं यार, लेकिन सोनल पैसे अरेंज कर लेगी। अरे भाई कितना कर लेगी? कितना तो नहीं पता, लेकिन 2-4 लाख तो कर ही लेगी वो। सही है, क्योंकि लाखों की जरूरत पड़ेगी हमें। यार भरत भाई, एक हेल्प कर देना, रेंट पे घर दिला दे प्लीज। तू टेंशन मत ले, मैं सब अरेंज करवा दूंगा। तूने शेखर भाटिया को फोन किया? हाँ, उसने कहा कि जब भी आना हो आ जाना। गुड, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अपना और सोनल का फोन राजकोट में स्विच ऑफ करके उसका सिम कार्ड निकाल के फेंक देना। फिर उसके बाद सीधा अहमदाबाद आने के बजाय पहले सूरत जाना। वहां से सोनल के घर वालों को फोन करके बोलना कि तुम लोग दिल्ली में हो। लेकिन क्यों? सोनल के घर वालों को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए तो भागना पड़ रहा हमें। अभी भागना नहीं पड़ेगा, इसलिए तो उन्हें बताने की जरूरत है। अगर सोनल के घर वाले उसे ढूंढने निकले तो वो लोग पहले दिल्ली जाएंगे, नंबर भी ट्रेस कर लिया तो वो लोग सूरत जाएंगे। वो सोच ही नहीं पाएंगे कि तुम लोग अहमदाबाद में हो। अच्छा, ये सही है, तो फिर हम ऐसा ही करेंगे। भाई सब ठीक तरीके से करना है ना, तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और पैसों की जरूरत पड़ती है। प्लान मैं बनाता हूँ, तो पैसे का देख। वो 5 लाख का इंतजाम हुआ? हाँ वो हो जाएगा, इसलिए हम कल ही भाग जाएंगे। सोनल कह रही थी कि उसके पास 10 लाख है। 10 लाख? हाँ, वो कह रही कि वो 10 लाख रुपए लेकर आएगी। चल फिर तो टेंशन ही खत्म। सोनल और जयेश को अंदाजा भी नहीं था कि घर से भागने के उनके प्लान के अलावा एक और प्लान बना था, उन्हें लूटने का और शायद उन्हें मारने का भी। भरत, ये तो हमें कहाँ ले आया? यहाँ पर मुझे कोई भी घर दिखाई नहीं दे रहा है। कैसे नहीं दिखाई दे रहा? सोनल और जयेश की प्रेम कहानी में एक दोस्त शुभचिंतक बनकर आया, उसी शुभचिंतक ने उन्हें धोखा दिया। भरत राणा, ऐसा क्या हुआ था कि तू बचपन से मदद करने वाला दोस्त मसीहा से सीधा शैतान बन गया? पैसे मिले थे दोनों को मानने के, किसने दिए? देवांग पटेल ने या योगेश ने? देवांग और योगेश ने लालच दिया था, या फिर 10 लाख का लालच आ गया था जो सोनल लेकर भागी थी? बोल के मत। किसके इशारे पर मारा? क्यों मारा दोनों को? सोनल और जयेश की हत्या की साजिश उनके घर छोड़कर भागने के प्लान के साथ ही रची गई थी। शेखर भाटिया भी इस साजिश का हिस्सा था।
वो भी तब से जब जयेश अपने दोस्त भरत से मदद मांगने गया था। शेखर भाई, लड़की बहुत मालदार पार्टी है, राजकोट की बहुत बड़ी फैमिली से, तो उन दोनों को यहाँ लेके आना। हेल्प की फीस 5 लाख बोल दे, उन दोनों को भी मैं यही रख दूंगा, पैसा आधा आधा कर लेंगे। नहीं भाई, लड़की बहुत बड़े घर की है, छोटी जगह में रह नहीं पाएगी, इसलिए तो जयेश को अलग से घर चाहिए रेंट पे। यहाँ लेकर आऊँगा तो बेकार में दिक्कत हो जाएगी। नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ तू लेके तो आ, घर से भाग के आ रहे हैं, छुप के रहना पड़ेगा, ऐसे में कहाँ सब उनकी मर्जी से मिलने वाला। चिंता मत कर, तू लेके आ, देख लेंगे। ये तुम लोगों का बेड है और ये कबर्ड। भरत, तूने मुझसे उस जगह के 5 लाख लिए, वो जगह 5 लाख की है। अबे सब जगह के पैसे नहीं लिए, शादी करवाई, रजिस्ट्रेशन करवाया, रहने को जगह दी है, सेफ्टी है, खर्चा होता है भाई इन सब चीज़ों में। भरत देख, मुझे मत सिखा, मैं भी कॉमर्स स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च हो सकता है। भरत भाई, हम ऐसे 10 लोगों के बीच में इतनी कम स्पेस में नहीं रह सकते, हम दोनों को अपना खुद का घर चाहिए। तो बड़े घर के लिए बड़ा पैसा लगता है, 5 लाख रुपए में यही मिल सकता है। लेकिन भरत, जब मैंने तुझसे बात की थी तब तूने मुझे कहा था कि इतने पैसों में आराम से एक घर मिल जाएगा रेंट पे, और थोड़ा और आगे जाएंगे तो 1 रूम किचन मिल जाएगा, वो भी खुद का। जयेश, यार मैंने तुझे शेखर भाई के साथ मेन सिटी में रखा है, अब ऊपर से तू बोल रहा है। सॉरी भरत, हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। हाँ तो मेरी तरफ से भी सॉरी यार, क्योंकि 5 लाख रुपए में यही मिल सकता है। लेकिन तूने पहले तो कहा था कि हो जाएगा सब कुछ। हाँ तो मैं तो अब भी बोल रहा कि हो जाएगा, बस 5 लाख रुपए और चाहिए, सिंपल। भरत, तुझे पहले 5 लाख दिए, अब तुझे और 5 लाख चाहिए। खुद का घर मिलना इतना आसान नहीं है, एक तो तुम दोनों घर से भागे हो यार, सारे इंतजाम करने पड़ेंगे। सोनल अपने पिता के ऑफिस से 10 लाख चुरा कर लाने वाली है, ये जयेश ने भरत को पहले ही बता दिया था। इसलिए भरत के लिए दोस्त की मदद करने की बजाय ये एक झटके में बड़ी रकम कमाने का मौका बन गया था। अब क्या करना है, वो लोग तो जानकार है, बोल तो दिया कि गांधीनगर में घर दिखाऊंगा, लेकिन अब कहाँ लेके जाओ। अरे ले जा कहीं भी और छोड़ के वापस आ जा, कुछ तो करना पड़ेगा। और राजकोट पुलिस का भी फोन आया था, सोनल का स्कूटर मिला है उन्हें, वो जयेश के माँ बाप का भी फोन आ रहा था। सुन, मेरा एक दोस्त है राजू, इन दोनों को उसके साथ गांधीनगर ले जा, और वहां जाकर सल्टा दे। सल्टा दे मतलब मार डालू? हाँ, देखिए पैसे तो हमें मिल ही गए, बाकी के और 1-2 लाख जो होंगे वो भी हमारे हो जाएंगे, मार के जला देते हैं इन्हें। वैसे भी घर से भागे हुए हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि कहां गए। अरे ज्यादा सोच मत, मैं कह रहा हूं ना मार देते हैं, कहीं अगर पकड़े गए तो हमारे लिए लेने के देने हो जाएंगे। और तू बोल रहा था ना लड़की का बाप बड़ा आदमी है, छोड़ेगा नहीं हमें। आओ मिस्टर एक्टिविस्ट, अच्छी एक्टिविटी की तूने, बाहर से प्रोटेक्शन देने के नाम पर खुद ही लोगों की जान ले रहा था, इससे पहले ऐसे और कितने मजबूर लोगों को ठगा और मारा है तूने? किसी को नहीं सर, बस पहली बार हुआ ये, एक साथ इतने पैसे देखकर फिसल गया था मैं। दो मासूम लोगों की जान ले ली, जान लेने के बाद उनको जला दिया और बोल रहा फिसल गया। रुपेश, दोनों की ऐसी कुटाई करना कि इनकी चीखें मेरे केबिन तक सुनाई दे। एक साला बचपन का दोस्त, सोशल एक्टिविस्ट, साला जान बचाने के नाम पर लोगों की जान लेता है। साथीदार कहाँ है? वो तीसरा साथीदार राजू कहाँ है? इस प्रेम कहानी में प्रेमियों का घर से भाग जाना तो था, पर ऑनर किलिंग यानी कि सम्मान के लिए की गई हत्या जैसा कुछ भी नहीं था। दो युवा प्रेमियों के परिवार वाले उनके घर से भाग जाने की प्लानिंग से अनजान थे। अनजान थे इस बात से कि एक दोस्त ने पैसों के लालच में उनके बच्चों को मारने का प्लान बनाया था। भरत राणा, शेखर भाटिया और राजू प्रजापति पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या और आईपीसी की धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए मुकदमा दर्ज हुआ है। भरत ने सोनल और जयेश की बॉडी से वो हर चीज निकाल ली जिससे उनकी पहचान हो सके, लेकिन सोनल की उंगली में मिली उस जली हुई अंगूठी ने उन्हें पहचान दिलाई। ठीक वैसे ही जैसे रूटीन चेकिंग में सोनल के स्कूटर ने इस मर्डर केस का खुलासा किया। लालच और भरोसा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत गुण है। अपने किसी करीबी को देखकर भी पता लगाना मुश्किल है कि उसके मन में क्या चल रहा है, इसलिए जब भी किसी को अपनी जिंदगी, अपना पैसा या फिर कोई अहम जिम्मेदारी दें तो सतर्क रहें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं,
आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।